ये देखो ये पे जलेबी पूरी राख है, तो ये दिख रहा है ना आपको पूरी, ये जलेबी पूरी देखो ये पूरा उन्होंने यहाँ पे क्या करे थे, यहाँ पे पूरा ना उन्होंने पूरा इकट्ठा करे थे, गोला करे थे यहाँ से पूरा वहाँ। तो हेलो फ्रेंड, तो आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में और मैं हूँ जेस व्लॉग। तो अभी सुबह का टाइम है तो हम खेत को आए थे क्योंकि आज पूरा आज ये खेत का पूरा क्या है, आज काम पूरा खत्म होता, आज पूरा रास करना है जो काटे हुए थे ना, तो आज मशीन लगा के फिर उसमें मशीन में डाल के पूरा इसको आज पूरा खत्म करना है। तो अभी आ गए थे तो ज़्यादा ठंड बहुत थी इधर, तो इसके वजह से स्वेटर पहन कर आया था मैं। तो मैं आप लोगों को कुछ बताने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पर बाजू में हमारे नाना उनका खेत है जो कि कोई मास्टर कर रहे थे खेत, तो उनके खेत में ना पता नहीं किसी ने उनके तोर को ना मतलब तोर के भारे जो थे ना तो उसको आँच लगा दिए। तो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ऊपर जाकर, तो चलो चलते हैं ऊपर की तरफ। मैं ऊपर आ चुका हूँ जो कि ऊपर का खेत है। तो यहाँ पर मैं जैसा देख रहा हूँ तो इधर ना जैसे कि देखो उन्होंने क्या करे थे, एक इकट्ठा करे थे, गोला करे थे उन्होंने, जगह 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 गोला करे थे। फिर दो दिन हो गया तो शाम का टाइम था तो वो गए, फिर जाने के बाद ना आधे घंटे के बाद 7 बजे के टाइम तो किसी ने आँच लगाए थे, पता नहीं किसने लगाए, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा वो जगह 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 जो उन्होंने कहाँ कहाँ रखे सो, तो वहाँ पे जगह जगह आँच लगाए, पता नहीं कौन लगाए थे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा। बेचारे इतनी मेहनत करे थे और इतना ये करे थे, रात दिन एक दिन यहाँ पर रहते थे वो, सुबह में आए तो पूरे शाम तक यहीं पर रहते थे, लेकिन इतनी कड़ी मेहनत करे थे, पता नहीं कौन जानबूझ कर करा कौन कैसा करा नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि उन्होंने कहाँ कहाँ रखे सो, मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो ये पे जलेबी पूरी राख है, तो ये दिख रहा है ना आपको पूरी, ये जलेबी पूरी देखो ये पूरा उन्होंने यहाँ पे क्या करे थे, यहाँ पे पूरा ना उन्होंने पूरा इकट्ठा करे थे, गोला करे थे यहाँ से पूरा वहाँ तक गोला करे थे, तो यहाँ पर भी आँच लगाए हैं। तो उन्होंने क्या करे फिर कल मशीन ला कर फिर उन्होंने जितनी बची हुई थी उतनी से उन्होंने रास कर ली फिर और लेकर चले गए, क्योंकि अभी तो क्या बोल नहीं सकते थे, अगर कभी भी जला सकते थे बोलकर तो फिर बाद में। और एक है तो ये देखो यहाँ पर भी गुप्पा था तो यहाँ भी उन्होंने जलाए, पता नहीं कौन जलाए, और उधर आगे भी है, मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। तो ये देखो ये आगे दिख रहा है ना, यहाँ पर भी गुप्पा था, उन्होंने यहाँ पर भी रखे थे, और फिर उसके और एक आगे था वहाँ पर भी गुप्पा करके रखे थे, फिर उसके और एक आगे वहाँ पर भी था तो वहाँ पर भी गुप्पा करके रखे थे, मैं आपको वहाँ का भी दिखाऊंगा, पता नहीं कौन जानबूझकर जलाया कौन जलाया लेकिन नहीं मालूम। तो देखो वो आगे दिख रहा ना आगे गुनो, वहाँ पर भी एक गुप्पा था तो वहाँ पर भी जलाए, पता नहीं किसका काम होगा ये नहीं मालूम। जितने उन्होंने मतलब जहाँ जहाँ उन्होंने इकट्ठा करे थे गोला करके रखे थे ना, लेकिन वहाँ के उन्होंने पूरा जलाए हैं, आप कौन जलाए कि नहीं मालूम। बहुत अफसोस होता है यार मतलब ऐसा देखकर कि मतलब इतना आदमी इतनी मेहनत कर रहे थे वो कर रहे थे तो ऐसा जलाने के बाद एकदम बहुत ये होता है यार, जबकि उन्होंने पूरा रात दिन एक कर रहे थे, क्योंकि मैं आता जाता था उनको देखता था क्योंकि वो यहाँ पे हर टाइम खेत में रहते थे, पता नहीं कौन करा होगा नहीं मालूम, क्या मिलता होगा ऐसा करके। अब बेचारे इतनी मेहनत करने के बाद तो पूरी उनकी मेहनत पूरी बेकार होगी क्योंकि साल भर की मेहनत थी उनकी, अब उन्हें क्या करें, जितनी बची हुई थी उतनी उन्होंने ले लिए और बाकी के जो है जलेबी तो है, मैं आपको दिखाया जगह जगह जो भरे हुए थे। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारे खेत में काम करेंगे और हमारे को भी आज पूरा करना है, नहीं तो फिर क्या बोल नहीं सकते, अगर कोई भी आकर हमारी पैसा लगाए सर कोई भी लगा सकता है क्योंकि यहाँ कौन आता भी नहीं जाता भी नहीं, इतनी दूर है, कोई किसी का आता नहीं किसी का पता भी नहीं, जलाया तो भी नहीं मालूम पड़ता। और अभी हम इसको क्या करेंगे, पूरे ढीक जो है पूरा इकट्ठा जमा करेंगे, फिर जमा करके मशीन आने के बाद मशीन में डालेंगे, फिर उसके बाद हम ले जाएंगे उसको। तो अभी मैं दिखाऊंगा, तो वहाँ पे एक जगह बने हुए सो है जो कि ऐसा जो उखाड़े के वैसे बने हुए, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, टाट बिछाएंगे, टाट बिछा कर पूरा इकट्ठा